तो अर्ज किया है नहीं। अरे क्यों नहीं, बहुत गजब की शायरी, एक बार तो सुनो। ठीक है सुना। कि अर्ज किया है कि मैं विमल तो नहीं खाता, लेकिन ये सोचकर खा लेता हूँ कि शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कि अर्ज किया है कि मैं विमल तो नहीं खाता, लेकिन ये सोचकर खा लेता हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। इस शायरी के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो में आगे ऐसा ही मजा है, इसलिए इसको स्किप मत करना। और तुम भी अपनी स्टोरी को ऐसे वीडियो में लाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाकर मैसेज कर दो, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। और अगली स्टोरी आप में से किसी एक की हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं ना। ठीक है। तो ये बात है उस जमाने, अरे नहीं 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 ये बात इसी जमाने की है। तो हुआ क्या कि हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे और एक लास्ट प्रैक्टिकल बचा था एग्रीकल्चर का। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि प्रैक्टिकल को लेने के लिए किसी दूसरे स्कूल का टीचर आता है। तो वो टीचर हमारे यहाँ पर आए थे उदयपुर से, और जो हमारे बाबूलाल जी सर थे उनको किसी और जगह जाना था। ये जो बाबूलाल है ना, ये बहुत बेवड़ा आदमी है, तुमको आगे पता चल जाएगा। तो हमारे सर ने बोला कि जिस दिन भी प्रैक्टिकल लेने के लिए वो वहाँ से आएंगे तो मैं तुमको बता दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, तो फिर हम आ गए। तो ऐसे ही दो तीन दिन निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि भाई साहब सर को कॉल लगाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो एक दो दिन ही हुए, फिर बाद में कॉल कर लेंगे। फिर अगले दिन मैंने ग्रुप में मैसेज चेक किया, लेकिन वहाँ पर सर का मैसेज था ही नहीं। उसके अगले दिन किया तो उस दिन भी नहीं था। ऐसे करते करते एक सप्ताह निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई साहब ऐसे तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से कॉल करवाया। यहाँ पे मैं भी उनको कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या बोलते वो। तो फिर मैंने अपने दोस्त से कॉल करवाया। अब वो मेरे को बोलता है कि तेरे को क्या, वो ले लेंगे, उनका प्रैक्टिकल लेना होगा। तो मैंने बोला भाई साहब वो बाबूलाल पता नहीं क्या कब लेगा, और वो उधर मैडम आ गए तो हमारा प्रैक्टिकल यूं छूट जाएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा वो घंटा मैसेज। अबे साले पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता? फिर उसने कॉल लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सर ने पी रखी थी। सर आराम से मस्त बाटली वाटली 45 का क्वार्टर चढ़ा के मस्त बैठे थे और मेरे दोस्त ने कॉल लगाया। तो फिर इसने बोला हेलो सर, तो सर भी उधर से बोल रहे हैं हाँ सर। सर। फिर मैंने उसे बोला भाई तू पहले चेक कर, तूने किसको कॉल किया है। उसने बोला कि मैंने सर को ही किया है। मैंने कहा चल छोड़ दू, तो अपने काम की बात कर। तो फिर उसने पूछा कि सर हमारा प्रैक्टिकल कब ले रहे हो, तो सर बोलते हैं कल को, मैं लेके क्या करूंगा। भाई साहब मैंने उसे बोला कि तू रहने दे भाई, हमने गलत टाइम पे कॉल कर दिया है, तू सुबह कॉल करना और पूछ लेना। फिर सर ने अगले दिन ग्रुप में मैसेज कर दिया कि मैडम 22 तारीख को आएंगे, लेकिन जस्ट उसी के 5 मिनट बाद सर फिर से मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मैडम 23 तारीख को आएंगे। तो अभी मैंने उस मैसेज के रिप्लाई में लिखा कि लगता है रात की उतरी नहीं। अब सर को तो ये बात पल्ले ही पड़ी, सिर्फ मेरे दोस्त को समझ में आया और मुझे समझ में आई। फिर कुछ दिनों के बाद 23 तारीख आ गई और हम सभी प्रैक्टिकल देने के लिए गए। तो हमने सोचा कि प्रैक्टिकल में क्या ही करेंगे, बस कॉपियां वोपियां चेक कर लेंगे और रिकॉर्ड ले लेंगे। यहाँ पर मेरे को और मेरे दोस्त को नहीं पता था कि वाइवा भी होता है। तो इसके बाद हमें पता चला कि वाइवा के बारे में कि इसमें हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोगों के फट गए। और आधे घंटे के बाद मैडम आई और थोड़ी देर के बाद हम दोनों का टाइम आया और फिर मैडम ने हम दोनों को बुलाया। इस टाइम पर लिटरली मेरे और मेरे दोस्त की बहुत खतरनाक फट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त को बोला जो होगा देख लेंगे, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा कुछ की मैंने हम दोनों गए अंदर। फिर मैडम ने उससे जो क्वेश्चन पूछा कि मृदा की ऊपरी इस परत को कौन सा स्तर कहते हैं। अब इसका आंसर मेरे को पता था, लेकिन मैं कह नहीं सकता था क्योंकि मैडम हम दोनों को सामने देख रहे थे और हम दोनों ही थे अंदर। अब यहाँ पे वो उसका जवाब नहीं दे पाया। फिर मैडम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेरे से क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा दिल ऐसा धक धक कर रहा था कि मतलब क्या कि मेरे गोटे गले में आ गए थे। और मैडम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि टमाटर का सॉस कैसे बनाते हैं, और इसका जवाब मेरे को नहीं आता था। और मैंने जवाब दिया कि टमाटर को खेत में से लाते हैं और फिर उनको अच्छे से काट कर धोकर गैस पर चढ़ा देते हैं। और इससे पहले मैं कुछ बताता उससे पहले मैडम ने कह दिया कि जा तू भाई जा, तुझसे ना हो पाएगा। और फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए। पता नहीं क्या दिया उन्होंने, कितने नंबर दिए कुछ पता ही नहीं था, पूरा पूरा दिल खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बाबूलाल को जाकर ठोक दी। और फिर मेरे क्लास के दोस्तों ने भी मेरे को बताया कि हमको तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे और हमने फटाक से जवाब दे दिए। उनकी बातों को सुनकर मेरा ऐसा दिमाग खून खोल रहा था, मतलब तुम लोगों को क्या बताऊं। फिर मैंने मेरे सारे दोस्तों और बाबूलाल और उस मैडम को इतनी भर भर के गालियां दी ना, इतनी भर भर के गालियां दी मन में। और फिर मैं और मेरा दोस्त बस में जाकर बैठ गए। लेकिन इसके बाद की जो स्टोरी है वो बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो कमेंट कर दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।